हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द प्लेट्स मूव। अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करती हैं? सो द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ कॉजेज द प्लेट्स टू मूव। सभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं अभी, क्योंकि मैग्मा में मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस वर्क करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं उन फोर्सेस को जो कि अर्थ के इंटीरियर में उसके अंदर वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या है? सो द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस एटसेट्रा इज कॉल्ड इरोजन। अर्थ के टॉप सरफेस को जब डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि बर्फ, हवा या पानी अपने साथ इरोड करके या बहाकर ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। अगला क्वेश्चन है हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, जब कोई रिवर अपने किनारों से ओवरफ्लो करती है, ऊपर बहने लगती है, इट रिजल्ट्स इन द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाई एरियाज, तो आसपास के एरियाज में बाढ़ आ जाती है। व्हेन इट फ्लड्स, और जब बाढ़ आती है, इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। तो पानी के साथ बहुत सारी फाइन सॉइल और दूसरे मटीरियल्स जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं वो भी बाहर जाते हैं और पानी उनको वहां पर बाहर डिपॉजिट कर देता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स, तो उससे बिल्कुल एक फ्लैट और फर्टाइल प्लेन बनते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स आर हीप्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड एट अ प्लेस बाय द विंड्स एक्शन इन द डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तान में, विंड के एक्शन की वजह से, हवा की वजह से एक जगह पर जब रेत डिपॉजिट हो जाती है तो इन हीप्स को, इन ढेर को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर। सी वेव्स सी शोर पर डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस, तो इससे बीचेस बनते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या है? When the meander loop is cut off from the main river, जब meander का ये loop cut हो जाता है main river से, it form a cut off lake, तो इससे ये cut off lake बनती है। This cut off lake is called Oxbow Lake, और इसे हम बोलते हैं Oxbow Lake. Now second question is take the correct answer, which is not an erosional feature of the sea waves. इनमें से कौन सा sea waves का एक erosional feature नहीं है? Options है cliff, बीच या फिर सी केव। सो बीचेस के फॉर्मेशन में हमने देखा कुछ भी इरोड नहीं होता। इनफैक्ट सी वेव्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं वो उसको शोर पर डिपॉजिट कर देती हैं जिससे बीचेस बनते हैं। तो ये एक डिपोजिशनल फीचर है, विच मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। ग्लेशियर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं जब वो उन्हें डिपॉजिट करते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन है फ्लड प्लेन, ये रिवर्स का डिपोजिशनल फीचर है। बीच ये सी वेव्स का डिपोजिशनल फीचर्स हैं, और ग्लेशियर्स का डिपोजिशनल फीचर्स हैं मरेन्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ में सडन मूवमेंट की वजह से इनमें से क्या होता है? ऑप्शन है वल्केनो, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। फोल्डिंग ये होता है प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से, एंड फ्लड प्लेन्स बनते हैं जब जो रिवर है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है और उसको डिपॉजिट कर देती है उस वजह से। नेक्स्ट इज मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट्स, रिवर वैलीज या फिर ग्लेशियर्स। ये डेजर्ट्स रेगिस्तान में मिलते हैं क्योंकि वहां पर विंड्स रॉक के बॉटम को ज्यादा इरोड करती है जिसकी वजह से बॉटम्स ज्यादा नैरो हो जाते हैं और ऊपर से वो ब्रॉडर रहते हैं, तो ये एक मशरूम जैसी शेप उन्हें मिलती है। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स कहाँ मिलती है? ग्लेशियर्स, रिवर वैलीज या फिर डेजर्ट्स। ये रिवर वैलीज में मिलती हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ग्लेशियर, मियांडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक।
सो फर्स्ट इज ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स रिवर ऑफ आइस है। मियांडर्स रिवर्स के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने की वजह से बनते हैं। बीच सी शोर पर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से बनते हैं। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में सैंड के डिपॉजिट्स हैं। वाटरफॉल हार्ड बेड रॉक के से पानी जब नीचे गिरता है तो उससे बनता है। एंड अर्थक्वेक अर्थ में वाइब्रेशंस की वजह से आते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज गिव रीजंस। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। क्या रीजन है कि कुछ रॉक्स की जो शेप है वो मशरूम के जैसी होती है? सो इसका रीजन ये है बिकॉज इन डेजर्ट्स, क्योंकि रेगिस्तान में विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर दैन द अपर सेक्शन। हवा रॉक के लोअर सेक्शन को ज्यादा इरोड करती है दैन अपर सेक्शन, जिसकी वजह से बॉटम से ये नैरोअर और टॉप इसका वाइडर दिखाई देता है। नेक्स्ट इज फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। क्या रीजन है कि फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं? बिकॉज व्हेन रिवर वाटर ओवरफ्लोज, क्योंकि जब रिवर वाटर ओवरफ्लो करता है उसके बैंक से, इट डिपॉजिट्स अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर सेडिमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स। तो पानी के साथ फाइन सॉइल और दूसरे सेडिमेंट्स भी बाहर जाते हैं, जिनको वो वहीं बैंक पर ही डिपॉजिट कर देता है और वो उस लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट इज सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। सो सी वेव्स जब बार बार पास के रॉक को स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है, तो उसमें ऐसा एक क्रैक डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं सी केव। अभी ये क्रैक और बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से कंप्लीटली होलो हो जाएगा जिसमें सिर्फ रूफ बचेगी, तो इसे कहेंगे सीआर। उसके बाद वेव्स रूफ्स को स्ट्राइक करेगी, देन रूफ भी ब्रेक हो जाएगी और ऐसा एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बचेगा जिसे स्टैक बोलते हैं। सो बिकॉज इरोजन बाय द वेव्स ब्रेक द रूफ ऑफ सी केव्स, क्योंकि इरोजन जो है जो वेव कर रही है उससे केव की रॉफ भी ब्रेक हो जाती है, जिससे सिर्फ वॉल्स बचती है और वो स्टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स में बिल्डिंग्स क्यों कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है? बिकॉज द अर्थक्वेक्स आर शॉक वेव विच डैमेज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। क्योंकि अर्थक्वेक्स शॉक वेव्स हैं जो कि बिल्डिंग के फाउंडेशन को डैमेज करती है और उसकी वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी, जहां पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स गिवन है, आपको इन फीचर्स के नाम बताने हैं, प्लस ये किस टाइप के फीचर्स हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल या फिर बोथ। सो फर्स्ट पिक्चर में एक वाटरफॉल दिखाया गया है और वाटरफॉल जब नीचे गिरता है तो अपने साथ फाइन सॉइल्स और सेडिमेंट्स को लेकर आता है, मतलब ये एक इरोजनल फीचर है। नेक्स्ट ये मियांडर्स हैं और मियांडर में दोनों ही यहां से इरोड होता है मटीरियल और अंदर की तरफ यहां डिपॉजिट होता है, यानी कि बोथ इरोजनल प्लस डिपोजिशनल। ये फ्लड प्लेन्स हैं, इसमें रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई है वो डिपॉजिट करती है, मतलब ये एक डिपोजिशनल फीचर है। नेक्स्ट क्रॉसवर्ड पजल दी है। सो फर्स्ट इज राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पर पानी जब विंड फ्रिक्शन की वजह से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इन्हें हम कहते हैं वेव। सो नंबर वन डाउन में डब्ल्यू ए वी ई वेव। सेकेंड इज अक्रॉस लूप लाइक द बेंड ऑफ अ रिवर। रिवर के लूप जैसे ये जो बेंड्स होते हैं इन्हें मियांडर कहते हैं। सो नंबर टू मियांडर। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ वाटर इन अ चैनल। एक चैनल में जो वाटर फ्लो करता है, नंबर थ्री रिवर। नंबर फोर सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की सॉलिड फॉर्म। फोर्थ नंबर आइस। नेक्स्ट इज स्टीप परपेंडिकुलर फेस ऑफ अ रॉक अलोंग अ सी कोस्ट। सी कोस्ट के पास में एक जो बिल्कुल परपेंडिकुलर रॉक होता है उसे क्लिफ कहते हैं, सी एल आई डबल एफ। सेवन नंबर इज मूविंग मास ऑफ आइस। आइस जब मूव करके नीचे आता है, नंबर सेवन उन्हें उसे ग्लेशियर कहते हैं, C-I-E-R, ग्लेशियर। नेक्स्ट नंबर एट, ओके नंबर सिक्स रह गया। नंबर सिक्स डेब्रिस ऑफ बाउल्डर्स एंड कोर्स मटीरियल कैरिड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर अपने साथ जो बाउल्डर्स बड़े बड़े पत्थर या कोर्स मटीरियल को लेकर आता है उसे क्या कहते हैं? नंबर सिक्स उसे कहते हैं मरेन।
नेक्स्ट इज नंबर 7 मूविंग. ओके ये हो चुका है. नंबर 8 क्रेसेंट शेप लेक फॉर्म्ड बाय अ मियांड्रिंग रिवर. एक मियांड्रिंग रिवर ऐसी क्रेसेंट जैसी जो एक शेप बनाती है उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक. नंबर 8 ऑक्स बो लेक. नंबर 9 सडन डिसेंट ऑफ वाटर इन द बेड ऑफ अ रिवर. एकदम से पानी जब नीचे गिरता है रिवर से सो उससे बनता है नंबर 9 वाटरफॉल. WATER. नेक्स्ट इज फाइन सैंड डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ विंड. विंड के एक्शन से जब फाइन सैंड एक जगह डिपॉजिट होती है उससे बनते हैं सैंड ड्यून्स. नंबर 10 ओके एल से वर्ड है ये लोएसिस है. लोएस नेचुरल कैविटी ऑन वीक रॉक्स फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ वेव्स. वेव्स के एक्शन की वजह से रॉक में जो कैविटी एक क्रैक डेवलप होता है उसे केव बोलते हैं. सी केव. नंबर 11 केव. नेक्स्ट इज नंबर 12. नंबर 12 एम्बैंकमेंट ऑन अ रिवर दैट कीप्स इट इन इट्स चैनल. रिवर की जो एम्बैंकमेंट होती है किनारे जो थोड़े से ऊंचे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने चैनल में ही रहे उन्हें कहते हैं लेवी. आइसोलेटेड मास ऑफ राइजिंग स्टीप रॉक नियर अ कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन के पास में एक आइसोलेटेड मास ऑफ राइजिंग स्टीप रॉक जो होता है स्टैक कहते हैं इन्हें. STACK जिसमें सिर्फ बॉल ही बच जाती है. नेक्स्ट इज नंबर 13. ओके 13 डाउन में भी है और अक्रॉस में भी है. 13 नंबर है लार्ज बॉडी ऑफ सी वाटर. सी ही होगा ये. लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होना चाहिए वैसे. सी 14th इज अक्रॉस में 14th है. ड्राई एरिया वेयर सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड. ड्राई एरिया जहां पर सैंड ड्यून्स बनते हैं. 14th नंबर डेजर्ट्स. डेजर्ट नंबर 14th डाउन में है एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर. रिवर डिपॉजिट्स एट द माउथ ऑफ अ रिवर. रिवर जब सी में एंटर करती है उससे पहले जो एक एलुवियल ट्रैक्ट बनता है जहां पर लाए हुए सारे ही सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट कर देती है. नंबर 14 डी ये है डेल्टा. 15th इज स्मॉल हिल ऑफ सैंड. सैंड की एक छोटी सी हिल कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड. विंड के एक्शन से जो बनती है नंबर 15 ये है ड्यून. ओके सैंड ड्यून लिखना होगा. लास्ट वन इज फ्लैट प्लेन फॉर्म्ड बाय रिवर. रिवर डिपॉजिट्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लड. फ्लड के टाइम पर जो फ्लैट प्लेन्स बनाती हैं रिवर्स इन्हें कहते हैं फ्लड प्लेन्स. ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.